जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप इमेजिन कीजिए कि आपका आधार कार्ड खो गया है और उसका ना तो आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे कि आपको आधार कार्ड नंबर भी नहीं पता है, उसकी जो सेल्फ थी जब आपने आधार कार्ड बनवाया था वो भी नहीं है, तो आप ऐसे में अपना जो आधार कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपकी रसीद मांगेगा या आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे आप बिना आधार कार्ड नंबर, बिना सेल्फ के भी अपना जो आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो आधार नंबर है उसको पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यूआईडी की वेबसाइट से ही मिलती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, कुछ इस तरह का इसका पोर्टल दिखता है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको सेकेंड में गेट आधार का ऑप्शन मिलेगा, उसमें डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इसका पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको ऊपर कॉर्नर में डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप माय आधार के एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से तीसरे नंबर पर रिट्राइव ईआईडी आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको अपना आधार नंबर जानने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ जो कैप्चा कोड है इसको टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी कन्फर्म करेंगे, आपके मैसेज में आपका आधार कार्ड नंबर भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाता हूं। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज होगा, योर आधार नंबर इज सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। आप अपने मोबाइल के मैसेजेस में चेक करेंगे तो आपका वहाँ पे आधार कार्ड नंबर भेज दिया गया है। जैसे कि मैं अपने फ़ोन में बैक आता हूँ, यहाँ पे मैसेज में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैसेजेस में मेरा जो आधार नंबर है वो भेज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ से अपना जो आधार नंबर है उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर से आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर डाउनलोड आधार का है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर आपको प्राप्त हुआ है उस आधार कार्ड नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद दिया हुआ कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करेंगे, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे नीचे एंटर करेंगे, वेरीफाई एज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। Mm-hmm.
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, डू यू वांट टू मास्क अदर, आपको इस पर टिक नहीं करना है। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट के साथ आपका आधार कार्ड डाउनलोड होगा, लेकिन अगर आपको इसको छोड़ देते हैं तो आपको आपके आधार कार्ड के सारे नंबर के साथ आपका आधार कार्ड डाउनलोड होगा। वेरीफाई एज डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा जो कि यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो जनरेट होकर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ में पासवर्ड मिलेगा, यहाँ पे कंफर्म कराने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी का नाम अनीश कुमार है और उसकी जन्मतिथि 1989 है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड में टाइप करना है अनीश यहाँ पर 1989। उसी प्रकार अपना अनुमान लगा सकते हैं, आपके नाम के 4 डिजिट जो हैं प्रथम होंगे कैपिटल लेटर में और आपकी जो DOB है उसकी लास्ट की जो ईयर है वो टाइप होगी। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है ऊपर PDF में आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो आधार है वो अभी डाउनलोड हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद किसी भी नीचे PDF में इसको ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे पासवर्ड रिकमेंड कर रहा है, आप अपने नाम के यहाँ पे कैपिटल लेटर में 4 डिजिट टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपनी DOB टाइप करेंगे, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो आधार कार्ड नंबर है उसको पता कर सकते हैं और अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।